हे गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube अवार्ड कितनी तरह के होते हैं और ये कब और कैसे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि YouTube अवार्ड कितनी तरह के होते हैं। YouTube अवार्ड तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सिल्वर प्ले अवार्ड, दूसरा होता है गोल्डन अवार्ड और तीसरा होता है डायमंड अवार्ड। इसके अलावा और भी अवार्ड्स हैं, लेकिन वो पहले मिलते थे, अब सिर्फ ये तीन अवार्ड्स मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। सबसे पहला अवार्ड है YouTube सिल्वर प्ले अवार्ड। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये अवार्ड तब दिया जाता है जब कोई यूट्यूबर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लेता है। जब किसी यूट्यूबर के 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन हो जाते हैं और उसका चैनल गुड स्टैंडिंग में होता है, यानी उसके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन नहीं होता है, तब उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को पाने का तरीका यह है कि जब आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो उसके बाद आपको YouTube को एक ईमेल करना होता है कि हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो हमें ये अवार्ड दीजिए। तो उसके बाद YouTube की तरफ से आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें एक कोड दिया जाता है और एक वेबसाइट का लिंक दिया जाता है। तो आपको उस वेबसाइट पर जाकर के वहां वो कोड डाल करके अपना एड्रेस डालना होता है और इस अवार्ड पर आपको क्या नाम चाहिए ये नाम डालना होता है और सबमिट कर देना होता है। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये अवार्ड आपके परमानेंट एड्रेस पर, जो एड्रेस आपने वहां पर अप्लाई करते समय डाला था, भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप मेरे हाथ में एक और अवार्ड देख सकते हैं, ये भी सिल्वर प्ले बटन अवार्ड है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये अवार्ड 2017 तक दिया जाता था 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने पर, और 2017 के बाद से अब 2018 में ये अवार्ड दिया जाता है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने पर। इसके अलावा दूसरा अवार्ड ये होता है गोल्डन अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है 10,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने पर। जब किसी यूट्यूबर के 10,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं और उसका चैनल गुड स्टैंडिंग में होता है, यानी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन उसके चैनल पर नहीं होता है, तब उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसका प्रोसेस भी यही है कि जब 10,00,000 सब्सक्राइबर्स YouTube चैनल पर हो जाते हैं तो उसके बाद YouTube को एक ईमेल करना होता है कि हमारे चैनल पर 10,00,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमें ये अवार्ड चाहिए। तो YouTube इसी तरह से एक ईमेल भेजता है और उसमें एक कोड देता है और एक वेबसाइट का लिंक देता है। उसी वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना एड्रेस डालना होता है और वो कोड डालना होता है। उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये अवार्ड उसी एड्रेस पर मिल जाता है जो एड्रेस आप अप्लाई करते समय डालते हैं। इस गोल्डन अवार्ड के अलावा एक और अवार्ड होता है डायमंड अवार्ड, जो कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर दिया जाता है, लेकिन वो हर एक को नहीं मिलता है, बल्कि वो कुछ सिटीज के हिसाब से मिलता है कि अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर सिटी में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तब आपको वो डायमंड अवार्ड मिलता है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो सिल्वर प्ले बटन अवार्ड है, क्या वो पूरा का पूरा सच में सिल्वर का है, और जिस तरह से गोल्डन अवार्ड है, क्या ये सच में पूरा गोल्ड का है, इसी तरह से जो डायमंड का अवार्ड होता है, क्या वो डायमंड का है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कलर का सिल्वर है, ये कोई पूरी तरह से सिल्वर अवार्ड नहीं है। इसी तरह से ये कोई सोने का अवार्ड नहीं है, बल्कि ये गोल्डन कलर का अवार्ड है, हालांकि ये काफी हैवी है। इसी तरह से जो डायमंड अवार्ड है, वो भी कोई हीरे का अवार्ड नहीं है, बल्कि वो डायमंड को मैच करता हुआ एक अवार्ड है। अब बात आती है कि इन अवार्ड्स की कीमत क्या है। वैसे तो ये अवार्ड्स कहीं बिकते नहीं है जो इनकी कीमत लगाई जाए, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर जो आंकड़े दिए गए हैं उनके हिसाब से सिल्वर प्ले बटन अवार्ड की जो कीमत है वो 1,000 से $2,000 के बीच में होती है, यानी वो आपको 1 से 1.25 लाख के बीच में पड़ता है। जो दूसरा अवार्ड है गोल्डन अवार्ड, उसकी कीमत 3,000 से $5,000 के बीच में होती है, यानी उसकी कीमत लगभग 2 से 3 लाख के बीच में होती है। और जो डायमंड अवार्ड है, उसकी कीमत 7,000 से $10,000 के बीच में है। अब बात आती है कि क्या इन अवार्ड्स को लेने के लिए कोई फीस पे करनी पड़ती है। तो देखिए, जब आप अवार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो अवार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है, इसके लिए आपको किसी भी फीस का भुगतान नहीं करना पड़ता है। अब बात आती है कि ये अवार्ड कब नहीं मिलता है। अगर आपके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, या फिर अगर आपका चैनल गुड स्टैंडिंग में नहीं है, मतलब कि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है, तो ये अवार्ड आपको नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ ही जब ये अवार्ड दिया जाता है तो उससे पहले आपके चैनल का रिव्यू किया जाता है। तो अगर वहां पर YouTube को दूसरे के वीडियोस मिलते हैं या कोई ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होते हैं, तब भी ये अवार्ड आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये अवार्ड चाहिए तो आप YouTube चैनल बना करके उस पर हार्डवर्क कीजिए,
अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके डालिए तो ये अवार्ड आपको जरूर मिलेगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यूट्यूब अवार्ड कितनी तरह के होते हैं और ये कब और कैसे मिलते हैं। और अगर आपके मन में अवार्ड से रिलेटेड अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you so, so much. Thank you so, so much to every single person that has subscribed to me. Thank each and every one of you who subscribed to me. Thank you all. Oh my God, I can't believe this. I'm so happy. I wouldn't be holding this right now without you guys. So to each and every one of you, thank you so much. Woo!